हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता मेकओवर। आज इस वीडियो में मैं आपको प्राइमर का क्या वर्क करता है वो बताने वाली हूँ। प्राइमर क्या होते हैं, आपकी स्किन पर कैसे वर्क किया करता है प्राइमर, कौन सा प्राइमर कौन सी स्किन के लिए बेस्ट होता है। सो गाइस, बहुत कुछ प्राइमर को लेकर मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ, जो भी डाउट्स आपके प्राइमर को लेकर होते हैं। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर अच्छा लगे हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपको ये मेकअप लुक देखना है तो मेरा जो प्रीवियस वीडियो है वो इस मेकअप लुक पे ही है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और आई मेकअप के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, वो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, मेरे प्रीवियस वीडियो की लिस्ट में ही आप जाके मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस, वीडियो जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पे स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगा। सो गाइस, चलते हैं वीडियो की। प्राइमर जो होते हैं वो आपको जरूर यूज करने चाहिए। प्राइमर आपको किसी भी ब्यूटी स्टोर पे इजीली मिल जाएंगे। प्राइमर आपके मेकअप का एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप होता है जिसे आप ज़रूर फॉलो कीजिए। सो गाइस, जब भी आप मेकअप कीजिए तो प्राइमर को ज़रूर इंक्लूड कीजिए, प्राइमर को आपको स्किप नहीं करना है। सो गाइस, फर्स्ट आपका यहाँ क्लियर हो गया। सेकंड, प्राइमर क्या होता है। प्राइमर आपको इस तरीके का आपको मिलता है, ये है HD हिलेरी रोडा प्राइमर। गाइस, ये वाला जो प्राइमर है ये है HD हिलेरी रोडा प्राइमर है। गाइस, प्राइमर क्या वर्क करते हैं पहले ही जान लेते हैं। प्राइमर जो होते हैं, जैसा कि मैंने मेरा प्रीवियस वीडियो में बताया, अगर आपने नहीं देखा होगा सो गाइस, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। प्राइमर आपकी स्किन के और फाउंडेशन के बीच में एक बैरियर का वर्क करता है, एक लेयर क्रिएट कर देता है, इससे आपका जो फाउंडेशन है वो आपके पोर्स में नहीं जाता है। अगर आप प्राइमर नहीं यूज करोगे तो आपकी स्किन में चला जाएगा फाउंडेशन, अगले दिन आपको रैशेज या पिंपल्स या इसकी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है तो भी आपको प्राइमर जरूर यूज करना चाहिए। प्राइमर एक लेयर क्रिएट कर देता है, आपकी स्किन में नहीं जाता है आपका फाउंडेशन। सेकेंड, आपका आपको एक स्मूथ बेस क्रिएट करके देता है, इससे आपका जो फाउंडेशन है वो इजीली आपके फेस पे ब्लेंड होता है, इजीली आपके फेस पे वर्क करता है। थर्ड, आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। सो गाइस, जब भी मेकअप कीजिए प्राइमर को ज़रूर यूज़ कीजिए, प्राइमर को इसमें ज़रूर इंक्लूड कीजिए। मेकअप में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसे आप स्किप नहीं कर सकते। प्राइमर कब करना चाहिए, CTM कर लीजिए, क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर, उसके बाद आप अपने फेस पे मॉइस्चराइजर करने के बाद आप सीरम अप्लाई कर लीजिए। सीरम आप ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हो, बट आपको प्राइमर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सो गाइस, प्राइमर ज़रूर अप्लाई कीजिए, उस सीरम अप्लाई करने के बाद, मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद आप प्राइमर अप्लाई कीजिए। प्राइमर को किस तरीके से अप्लाई करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सो गाइस, क्लींजिंग एंड टोनिंग मॉइस्चराइजर करने के बाद मैं सीरम अप्लाई कर लिया, उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर। गाइस, इस टाइम ही आपको प्राइमर अप्लाई करना है अपने फेस पे फाउंडेशन से जस्ट पहले। सो गाइस, फिंगर पे आपको ले लेना है 1 ड्रॉप, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं चाहिए होती प्राइमर की। सो गाइस, अपने फेस पे मैं अच्छे से इसे अप्लाई कर लूँगी डैबिंग मोशन में अपने फिंगर की हेल्प से ही। सो गाइस, आपको 5 मिनट इसके लिए वर्क करने देना है, उसके बाद आप अपना फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो। सो गाइस, आपने देखा मैंने प्राइमर किस तरीके से अप्लाई किया। आपको हल्का सा टाइनी सा आपके फिंगर पे लेना है और उसे अच्छे से रब करके, आपके फिंगर्स पे ही रब करके आपको इस तरीके से डैबिंग मोशन में आपकी स्किन में पेनिट्रेट करना है। आपको रगड़ना नहीं है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको नहीं लेना, बहुत हल्की फुल्की क्वांटिटी आपको चाहिएगी, 1 ड्रॉप टू 2 ड्रॉप, यानी बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेना होता। सो गाइस, ये आपके पोर्स को श्रिंक कर देता है, तो इससे क्या होता है आपका जो फाउंडेशन होता है वो आपके पोर्स में नहीं जाता, फाउंडेशन, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, जो भी आप लगाते हो। सो गाइस, जब भी आप मेकअप कीजिए फाउंडेशन को बिल्कुल प्राइमर को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, प्राइमर ज़रूर अप्लाई कीजिए, आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा, स्वेट भी नहीं आएगा आपके फेस से। मेकअप करने के बाद आपका फाउंडेशन काला पड़ जाता है, आपका मेकअप काला पड़ जाता है, तो इसके लिए मेन रीज़न आपका ये भी हो सकता है अगर आपने प्राइमर नहीं यूज़ किया है। तो गाइस, जब भी आप मेकअप कीजिए प्राइमर ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि आपके फेस से निकलने वाला ऑयल और आपके जो फाउंडेशन में जो ऑयल होगा वो दोनों रिएक्ट करते हैं, इससे आपका फाउंडेशन काला हो जाता है। अगर आप प्राइमर लगाओगे, प्राइमर अप्लाई करोगे तो आपका जो आपके जो पोर्स होंगे वो श्रिंक हो जाएंगे, तो उनसे ऑयल रिड्यूस नहीं होगा।
सो गाइस प्राइमर जरूर अप्लाई कीजिए। अगर सीटीएम करने के बाद सीरम आप स्किप कर सकते हो, बट आपको प्राइमर अप्लाई करना है। प्राइमर को आपको 2 से 5 मिनट अपने फेस पे वर्क करने देना है, तब तक आप अपना आई मेकअप कंप्लीट कर लीजिए, या इसके अलावा भी आप कोई और काम कर सकते हो, हेयर स्टाइल वगैरह या अपने हेयर वगैरह सेट कर सकते हो। सो गाइस जब तक आप अपने प्राइमर को वर्क करने दीजिए 2 मिनट से 5 मिनट के लिए। प्राइमर कौन सी स्किन के लिए कौन सा बेस्ट होता है? गाइस अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर अप्लाई करना चाहिए। सिलिकॉन बेस्ड कौन से होते हैं? जो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये वाला जो प्राइमर है मेरे पास, ये मेरा सिलिकॉन बेस्ड है, क्योंकि मेरा जो स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है। सो गाइज अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर अप्लाई करने चाहिए, जो ट्रांसपेरेंट होते हैं। जेल फॉर्म में जो प्राइमर होते हैं वो वाले प्राइमर आपको यूज करने हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको क्रीम बेस्ड फाउंडेशन अप्लाई करने होंगे, जो कि लैक्मे के आते हैं। क्रीम बेस्ड फाउंडेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप क्रीम बेस्ड। गाइस अगर आपके पास कोई भी प्राइमर अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल सा पतंजलि एलोवेरा जेल, ये वाला जो जेल है, आप इसे भी प्राइमर की जगह यूज कर सकते हो। ये भी आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा, आपके पोर्स को मिनिमाइज करेगा। सो गाइस अगर आपके पास कोई भी प्राइमर आपके पास अवेलेबल नहीं है, अगर आपकी स्किन आपको पता नहीं है ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, कैसी स्किन है, सो गाइस आप ये वाला प्राइमर जरूर यूज कर सकते हो। ये आप प्राइमर की जगह वर्क कर सकते हो। गाइस आपको बस इतना ही लेना है, ये भी बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ही कम क्वांटिटी लेनी होती है प्राइमर की। सो गाइस आपको इस तरीके से इसे रब करना है और इसे भी उसी तरीके से लगाना है जिस तरीके से प्राइमर आप अप्लाई करते हो। सो गाइस उसके बाद आप इसे इस तरीके से डैबिंग मोशन में आपकी स्किन पे लगा लीजिए। आप सीटीएम करने के बाद भी इसे मॉइस्चराइजर की जगह यूज भी कर सकते हो और प्राइमर का वर्क भी करेगा। इस मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करना है तो आपको प्राइमर जरूर अप्लाई करने चाहिए। प्राइमर जरूर यूज कीजिए, आपको स्वेट की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। सो गाइस प्राइमर को लेकर जो भी डाउट्स थे मैंने यहाँ क्लियर कर दिए। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसे क्लियर कर दूंगी। मेक श्योर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।